क्रिकेट को जिस देश में धर्म की तरह पूजा जाता है, वही क्रिकेट एक बार फिर से गहरे आरोपों के साए में है। आप देख रहे हैं आज तक पर ये बड़ा खुलासा, आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। आज दोपहर भारत और न्यूजीलैंड के बीच दूसरा वनडे पुणे में शुरू होने वाला था, लेकिन इससे पहले ही आज तक का स्टिंग ऑपरेशन बता रहा है कि पिच क्यूरेटर पिच का सौदा करने को तैयार है। इसी पर हमने जब बात की है कार्यवाहक सचिव बीसीसीआई अमिताभ चौधरी से, तो वो कह रहे हैं कि मैच पर विचार हो रहा है, एक बड़ी बैठक इस वक्त चल रही है। आज तक से बोले हैं बीसीसीआई के कार्यवाहक सचिव अमिताभ चौधरी कि भ्रष्टाचार के लिए जीरो टॉलरेंस अपनाया जाएगा, जो भी दोषी पाया जाता है कार्रवाई होगी। आइए आपको सुनाते हैं इस फोन पर बातचीत में उन्होंने क्या क्या कहा है, और नजर रखिएगा वो कह रहे हैं कि आईसीसी रेफरी आज के मैच पर अंतिम फैसला करेंगे। कौन कौन शामिल है इस बैठक में, कितनी देर में आएगा फैसला, बने रहिए हमारे साथ, स्टिंग का हिस्सा भी आपको दिखाएंगे। पहले ये बातचीत अमिताभ चौधरी कार्यवाहक सचिव बीसीसीआई से। इस विषय पे मैंने पहले भी कहा है, बल्कि कुछ देर पहले मुझसे जब पूछा गया तो मैंने सिर्फ इतना ही कहा था कि प्राइमा फेसी इज अ वेरी सीरियस मैटर, और इसके बाद मैंने महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं मिस्टर अभय, आपसे उनसे बात की, ही इज नॉट ओनली सीज ऑफ द मैटर, ही इज लुकिंग इनटू इट एंड ही सून बी एबल टू गेट बैक टू मी। जहां तक आप इसके फॉलोअप की बात है, हूएवर रिस्पॉन्सिबल विल ऑब्वियसली बी ट्रीटेड विद कंप्लीट विल बी एब्सोल्युटली डेल्ट विद प्रॉपरली, डोंट यू वरी अबाउट दैट। इससे जितना कड़ा इससे कार्रवाई हो सकता है वैसा ही होगा। जीरो टॉलरेंस इज द बेस, दैट्स आवर मोटो आल्सो, देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ एनी कॉम्प्रोमाइज। आपको बीच में टोक रही हूँ। आप कह रहे हैं जीरो टॉलरेंस, लेकिन परेशानी तो ये है कि जीरो विजिलेंस है, जीरो विजिलेंस, और इसीलिए पत्रकार सब देख लेते हैं, लेकिन जो बीसीसीआई है, जो आपका एंटी करप्शन यूनिट है, उसको कुछ नहीं दिखता है। छोटी मछली कह रहे हैं वो अपने आप को, बड़ी मछली, सच पूरा कभी सामने नहीं आता है। विक्रांत हमारे सहयोगी यहां पर है, वो भी एक सवाल पूछना चाहते हैं, पूछिए। अमिताभ, आपसे ये जानना चाहता हूं कि अब चूंकि आपने टेलीविजन पर देख ही लिया, क्या पांडुरंग सालगांवकर को मैदान में अलाउ किया गया है आज जाने के लिए? मैंने कहा मैं पुणे में हूं नहीं, और मैंने अभय आपसे जी से बात भी की है, स्वाभाविक है ऐसी परिस्थितियों में उनको जाने का मौका तो मिलना भी नहीं चाहिए, बिल्कुल, और मिला भी नहीं होगा, डोंट यू वरी अबाउट, वो नहीं मिला होगा। बट मैं इफ यू वांट आई विल कंफर्म इट टू यू इन अ व्हाइल, दैट देयर इज नो क्वेश्चन अबाउट। दूसरा प्रश्न था कि जीरो टॉलरेंस की चर्चा मैंने की थी, उस पर सही तरीके से ही आपने पूछा कि अगर जीरो टॉलरेंस है तो जीरो विजिलेंस क्यों है, विच इज अ सीरियस मैटर, मैं मानता हूं उसको, मैं स्वीकारता हूं, और इस पे कहीं ना कहीं कुछ लेटअप रहा है। अगर लेटअप नहीं हुआ होता तो ऐसी बात होती ही नहीं। और सबसे आश्चर्य का विषय तो ये है कि अगर ये सच है तो पांडुरंग सालगांवकर खुद ही एक फर्स्ट क्लास प्लेयर थे, फिर फर्स्ट क्लास प्लेयर और फास्ट बॉलर ही नहीं थे, बल्कि लगभग भारतवर्ष के लिए उन्होंने खेला भी था, मतलब बहुत कम ही फासले से वो नहीं खेल पाए थे, तो लगभग वो नेशनल टीम में भी इंक्लूड हुए थे, तो इसलिए बड़ा शॉकिंग इंसिडेंट है, बहुत ही शॉकिंग इंसिडेंट। कार्यवाहक सचिव के रूप में आप बताइए कि जो क्रिकेट प्रेमी है सर, वो क्यों भरोसा करे? ये जितने बीसीसीआई, आईसीसी, एंटी करप्शन यूनिट, टैक्स पेयर का पैसा, ये बर्बादी पैसे की, और विश्वास जब जब डगमगाता है क्रिकेट पर, कौन इसकी जवाबदेही देगा? आप कह रहे हैं कि अभी मैं पता करता हूं, उनको जाने की इजाजत नहीं होनी चाहिए, कैसे चलेगा सर ये सिस्टम, ये क्या हमने बनाकर रखा हुआ है? अगर दो जगह पे दो व्यक्ति हों तो क्या मैं सीधा वहां चला जाऊं? ये संभव है? ये तो संभव नहीं है ना। जब भी कोई कमी रहती है तो उसको जांच करके उस पर कार्रवाई होती है। क्या मैच पर भी कोई फैसला आप ले सकते हैं आज के मैच पर सर? एक मिनट, सिस्टम में जब कमियां नजर आती हैं तो कमियों को दूर करने का हर प्रयास किया जाता है, ठीक है ना सर? क्या मैच पर भी कोई फैसला आप ले सकते हैं? नहीं, मुश्किल तब होती है जब कोई कमी नजर आती है और कार्रवाई नहीं होती, वो मैं नहीं होने दूंगा, निश्चिंत रहें। सर मैच पर कोई फैसला लिया जा सकता है, क्योंकि विश्वास लोगों का डगमगा रहा है आज तक पर, और इंडिया टुडे पर लगातार हम ये स्टिंग ऑपरेशन दिखा रहे हैं, आज ही के मैच के लिए ये बात हो रही थी। मैं आज की मैच की बात कर रहा हूँ, आप चिंता ना करें, मैं आज की मैच की ही बात कर रहा हूँ, और पुणे में जो लोग बैठे हैं, जो निर्णय करने वाले हैं, इंक्लूडिंग द आईसीसी मैच रेफरी,
the ACSU in charge, all of them are present there. They will take a decision keeping effects in everything. जो आपने कहा, जो आपने दिखाया, जो तथ्यों को सामने लाया गया, सबों को ध्यान पे रखते ही कार्रवाई की जाएगी. डोंट यू वरी. क्या इस पर भी विचार किया जा रहा है इस बैठक में कि मैच को रद्द किया जाए, क्योंकि इतने गंभीर सवाल खड़े हुए हैं? विचार जब किया जाता है तो सभी रास्तों को देखा जाता है. मैं अभी इतना ही कहूंगा. थैंक यू. सभी एंगल्स पर विचार हो रहा है. एक हाई लेवल मीटिंग इस वक्त चल रही है जिसमें कोई भी अंतिम फैसला लिया जा सकता है. यहां तक कार्यवाहक सचिव अमिताभ चौधरी ने आज तक से माना है. बड़ा असर हमारी इस खबर का हो रहा है. लेकिन इससे पहले कि मैं, मदन लाल जी पूर्व क्रिकेटर हमारे साथ हैं और आप तो खेले भी हैं उनके साथ. हाँ, मैं बिल्कुल खेला हूँ और काफी तेज गेंदबाज भी होते थे. उसके बाद इन्होंने लंबू था. अच्छा, इनका निकनेम लंबू था. उसी टाइम पे ये शुरू हुआ था कि इंडिया ने पेस बॉलर प्रोड्यूस किए हैं, तो ये उनमें से एक वन ऑफ द पेस बॉलर. देखिए, उसी क्रिकेट ने इनको क्रिकेटर बनाया. देश के लिए वो खेले, पिच क्यूरेटर बने और अब उसी क्रिकेट का सौदा करने के लिए निकल पड़े. वो चोट कोई और नहीं बल्कि क्रिकेट रूपी धर्म का एक रक्षक ही पहुंचाने वाला है. जरा इस बातचीत को सुनिए. सर, एक छोटा सा काम था. बोलो. के दो प्लेयर हैं, फास्ट बॉलर हैं. अगर उनके लिए कुछ मदद हो जाए पिच पे कल वाले मैच में. ऑलवेज दे बॉल विद द स्पिनर्स. नहीं नहीं, वैसे नहीं. अपना विकेट इज ऑलवेज हेल्प टू द फास्ट बॉलर. पक्का? पक्का. ये पांडुरंग सलगांवकर है. महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन क्रिकेट स्टेडियम पुणे के पिच क्यूरेटर. सलगांवकर ने पुणे की वो पिच तैयार की है जिस पर आज भारत और न्यूजीलैंड के बीच दूसरा वनडे खेला जाना है. लेकिन मैच शुरू होने से पहले ही आज तक के अंडरकवर रिपोर्टर ने पिच क्यूरेटर सलगांवकर को फिक्सिंग की पिच पर धर दबोचा. आज तक की स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम के संवाददाता पुणे के एमसीए स्टेडियम में बुकी बनकर मिले थे. हम सलगांवकर से पिच को लेकर अहम जानकारी हासिल करना चाहते थे. साथ ही हम मन मुताबिक पिच भी चाहते थे. हम हैरान रह गए ये जानकर कि सलगांवकर ऐसा करने पर राजी हो गए. अब ये आपने पिच कैसी बनाई सर? इंडिया न्यूजीलैंड वेरी गुड. ये मेरे ख्याल से 337 होना मांगता है. पक्का? पक्का. इट इज नॉट गोइंग टू एंड दिस 337 विल बी चेसेबल. अच्छा, वही पिच जो आपने कल दिखाई थी. हाँ, 8 नंबर. इसमें कोई दो राय नहीं है. क्यूरेटर ने किया पिच की अहम जानकारी का खुलासा. पुणे की पिच बल्लेबाजों के लिए स्वर्ग होगी. पुणे में 340 का स्कोर भी बड़ा नहीं होगा. सलगांवकर ने ऐसी जानकारी का खुलासा किया था जो हर सट्टेबाज जानना चाहता है, और बताने की जरूरत नहीं कि उन्होंने हमें ये जानकारी क्यों दी. इसमें भी थोड़ा उल्टा सुल्टा लोग रहते हैं. लेकिन हमारी हैरानी के लिए इतना ही काफी नहीं था. क्यूरेटर ने हमारे अंडरकवर रिपोर्टर को पिच से छेड़छाड़ की भी इजाजत दे दी. सलगांवकर जी कह रहे हैं कि ऐसे इंटरनेशनल मैच की पिच दिखाना अलाउड नहीं है. अलाउड नहीं है इस वक्त तो भी. हम लोग क्या है, हमारी ताकत में भी इस बारे ये किया. वो भी बीसीसीआई का क्यूरेटर बैठा है. अच्छा, बीसीसीआई का क्यूरेटर है सर. क्या नाम है उसका? ऑब्जर्वर रहता है. क्या नाम है सर? मामूनकर. तो सर, कोई स्ट्रेंजर पिच पे नहीं आ सकता? नहीं. क्यों नहीं आ सकता? दिस इज अमेरिकन लॉ ऑफ बीसीसीआई और आईसीसी. बीसीसीआई का नियम साफ कहता है कि पिच से कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता. पिच तक सिर्फ कप्तान और कोच को ही जाने की इजाजत होती है.
वो भी मैच से पहले, लेकिन वो भी पिच पर चहलकदमी नहीं कर सकते। पिच पर स्पाइक वाले जूते पहनकर चहलकदमी करना भी मना है। नियम सख्त हैं, लेकिन आपने देखा कि पिच क्यूरेटर सलगांवकर ने नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए हमें वहां जाने की इजाजत दे दी। और फिर शुरू हुई मुद्दे की बात। जी हां, पिच फिक्सिंग करने का सौदा। सलगांवकर सट्टेबाजों की रणनीति के मुताबिक ऐसा करने पर भी राजी हो गए। सर एक छोटा सा काम था। बोलो। उनके दो प्लेयर हैं, फास्ट बॉलर हैं। अगर उनके लिए कुछ मदद हो जाए पिच पे कल वाले मैच में। Always they bowl with the spinners. नहीं नहीं वो इसी नहीं। अपना विकेट इज ऑलवेज हेल्प टू द फास्ट बॉलर। पक्का? पक्का। हम ये चाह रहे हैं कि फेवर हो जाए कल का जो 25 अक्टूबर का मैच है इंडिया न्यूजीलैंड का। ओ देखो मैं बोला ना दिस विल बी 340 रन्स विकेट आइदर वे। नहीं वो तो आपने कह दिया उस पे हम बैटिंग कर लेंगे, लेकिन ये को जो हम फेवर चाह रहे हैं कल के मैच वो अच्छी हो जाएगी। अच्छी बोला ना, हो जाएगी फेवर। हो जाएगी। सुना आपने, पिच क्यूरेटर पांडुरंग सलगांवकर हमारे कहे मुताबिक पिच तैयार करने पर राजी हो गए। यही नहीं, उन्होंने ये भी वादा किया कि पुणे में जब भी मैच होगा वो पैसे लेकर हमें न सिर्फ पिच की जानकारी दे सकते हैं बल्कि पिच को मन मुताबिक तैयार भी कर सकते हैं। The thing is, we want, कल तो मैच है इंडिया न्यूजीलैंड। आगे फर्दर भी कोई अगर यहाँ मैच होता है जिस मैच को आप देखते हैं व्हाट आई जस्ट वांट के आप जो भी पिच इन्फॉर्मेशन है वो आप हमसे शेयर करें। उस पर हम लोग जो भी बैटिंग करेंगे जो भी बेनिफिट होगा उसका हम लोग शेयर करेंगे। देख लेंगे डन सर। और बाकी कल हम लोग एक बार फोन पर बात करें। क्रिकेट पर आज तक का बड़ा खुलासा। पुणे के क्यूरेटर ने दी पिच से छेड़छाड़ की गारंटी। सट्टेबाजों की रणनीति के मुताबिक पिच बनाने की गारंटी। आज तक का ऑपरेशन क्रिकेट गेट। यकीनन ये खुलासा क्रिकेट जगत को हिला देने वाला है। अब तक क्रिकेट में सिर्फ मैच फिक्सिंग और स्पॉट फिक्सिंग की चर्चा थी, लेकिन इस बार एक क्यूरेटर सट्टेबाजों की खातिर पिच फिक्स करने की बात करते हुए कैमरे में कैद हुआ है। आज तक की स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम के लिए जमशेद खान के साथ सुशांत पाठक। और अब असर होना शुरू हो गया है क्योंकि खबर ये आ रही है इस वक्त कि पिच क्यूरेटर पांडुरंग सलगांवकर को कम से कम पुणे के स्टेडियम में जाने पर रोक लगाई गई है, यानी उन्हें इस मैच से अलग किया गया है। पुणे वनडे से पांडुरंग को अलग किया गया है। रणजी ट्रॉफी खेलते थे 15 विकेट। जो बीसीसीआई के क्यूरेटर हैं वो इस मैच को देखेंगे। मतलब होता क्या है, एक लोकल क्यूरेटर होता है और बीसीसीआई के जो चार जोन है हर जोन से एक एक क्यूरेटर जाते हैं जो देखते हैं। और अब शायद उनको मुंबई से भेजा जाएगा वो इस मैच। ये 9 बजे से ये खबर हम दिखा रहे हैं विक्रांत, आज 9 बजे से दिखा रहे हैं जी। 11:15 बजे नींद खुली है इनकी अब। नहीं लेकिन कम से कम एक बात तो है, अभी आपके साथ फोन हो रहा था जैसे अमिताभ चौधरी का, उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं देखूंगा क्या है, उन्होंने कहा कि हमने देख लिया है और हम इस बात को बिल्कुल। तो कम से कम ये है कि हाँ जो एक स्टेज है ना 1-2-3, लेकिन अब मैच रेफरी जो कि भारत से नहीं है जो कि न्यूजीलैंड से नहीं है, एक न्यूट्रल खिलाड़ी होते हैं, उनको फैसला कर रहा है कि ये मैच होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। वो ऑब्वियसली वो जाकर देखेंगे कि आप पिच कंडीशंस को ऑल्टर किया गया है नहीं ऑल्टर किया गया है, कुछ बदलाव है कि नहीं। मेरे ख्याल सौरभ गांगुली साथ जुड़ गए हमारे साथ। सौरभ जुड़े क्या हमारे साथ? सौरभ गांगुली से हम बातचीत करें। सौरभ गांगुली हमारे साथ जुड़ गए। सौरभ सबसे पहला आपसे सवाल यही है कि पांडुरंग सलगांवकर को फिलहाल पिच पर जाने से स्टेडियम में जाने पर रोक लगा दी गई है, क्या ये मैच रद्द नहीं होना चाहिए? भरोसा जिंदा रखना बहुत जरूरी है। देखिए मैं आपसे सुनने के बाद मैं आपका ये शो देख रहा था और वो सारे ट्रांसक्रिप्ट सुन रहा था पढ़ रहा था। मैं समझता हूँ कि जो किया गया है पांडुरंग सलगांवकर के साथ उनको ग्राउंड जाने में रोका गया है वो बिल्कुल सही है, वो बिल्कुल सही है। और मैं समझता हूँ ये एक्शन एमसीए हो या बीसीसीआई जो भी लिया है सही लिया है। आप अभी बोल रहे थे कि जो इन जो
न्यूट्रल क्यूरेटर है जो बॉम्बे से आए हुए हैं उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया है मैच को देखने के लिए, और मैं समझता हूँ कि मैच नहीं रोकना चाहिए क्योंकि मैच तो अभी शुरू नहीं हुआ है, पिच तो मैच शुरू होने से पहले दोनों के लिए सेम होगा और उस पर खेला जाएगा, तो मैं समझता हूँ कि मैच होनी चाहिए और पांडुरंग हलगांवकर जो है उनको इस काम से छुटकारा देना बहुत जरूरी है, क्योंकि क्योंकि शुरू में मुझे ऐसे लगा था कि मैं पूरी चीज जानती नहीं हूँ, लेकिन जब सुनने के बाद मुझे लगा कि उनको पता है कि क्या हो रहा है, क्यों पूछ रहे, और जो ऑपरेशन हुआ है उसके सारे बारे में उनको चर्चा था, तो मैं समझता हूँ ये गलत है और आशा करेंगे कि MCA और BCCI हलगांवकर के ऊपर सख्त कार्रवाई और स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेंगे। दादा एक सवाल मेरा आपसे ये है कि आपके लिहाज से ज्यादा बड़ा क्राइम जुर्म क्या है आज पांडुरंग का, ये रिपोर्टर को पिच तक लेकर जाना और कहना कि मैं ऑल्टर करूंगा, या फिर ये सब सुनना कि बुकीज को इन्फॉर्मेशन जाएगी, पैसे की बात बाद में हो जाएगी? जो आपने आपने आपके जो सेकंड स्टेटमेंट है कि बुकीज को इन्फॉर्मेशन जाएगा और सारे चेंजेस हो जाएंगे, देखिए रिपोर्टर को तो आप किसी भी समय ले जा सकते हैं, इसमें मैं समझता हूँ कोई मुश्किल नहीं। हालांकि दादा नॉन एक्रेडिटेड रिपोर्टर है, वो रिपोर्टर बनकर नहीं गए थे, वो एक बिजनेसमैन बनकर गए थे। देखिए दो या तीन दिन, जो मैं कहना चाहता हूँ कि मैच से दो या तीन दिन पहले एक्रेडिशन दिए नहीं जाते, एक्रेडिशन दिए जाते हैं मैच से पहले दिन, जिससे कि आप मैच के दिन ग्राउंड में घुस सके, तो मैं समझ सकता हूँ कि अगर वो जानते थे कि वो रिपोर्टर है और उनको पिच दिखाना है वो गलत है, लेकिन वो कुछ जुर्म नहीं है, आप कुछ गलत काम नहीं कर रहे हो, तो उसको पिच दिखा रहे हो जी, लेकिन आपको जब पता है कि आप फिक्सिंग हो रही है, आपको पैसे मिलेंगे पिच बनाने के लिए, वो गलत है, मैं समझता हूँ। हरभजन सिंह भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। हरभजन जी, हमने दिखाया है कि कैसे पिच क्यूरेटर पांडुरंग सलगांवकर पिच का सौदा करने के लिए तैयार हैं, अब जाकर BCCI की तरफ से उन्हें स्टेडियम में जाने पर भी रोक लगा दी गई है, लेकिन सवाल यही है कि क्या मैच पर फिर से कोई फैसला होना चाहिए, पहला सवाल। दूसरा, आपको क्या लगता है क्रिकेट से जो ये साया है क्रिकेट का सौदा करने का, वो खत्म नहीं हो रहा है, कितने आहत एक क्रिकेटर के रूप में आप? देखिए ये जो हुआ है बहुत गलत हुआ है, और ऐसी चीजें क्रिकेट में होना मतलब अपने आप में बहुत ही शर्म की बात है, और जिस अंदाज से आप लोगों ने ये पूरा स्टिंग ऑपरेशन किया है अपने आप में दर्शाता है कि कहीं ना कहीं जो कमियां अभी भी हैं वो हम सब में है, क्योंकि अगर हम ध्यान नहीं रखेंगे तो ऐसे काम होते ही रहेंगे, और एक बंदा अगर किसी भी बंदे के कहने के अंदर आके ये पिच बनाने के लिए तैयार हो जाता है उस तरीके से जिस तरीके से आप चाहते हो, तो मतलब वो कल को कुछ भी कर सकता है, तो इट्स अ वेरी वेरी रॉन्ग थिंग, जो बड़ी शर्मनाक बात है, जो कि इस तरीके से होना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर वो वहाँ पे काम कर रहे हैं तो उनको अपने काम के ऊपर बिल्कुल फोकस रखे काम करना चाहिए, और दिस इज वेरी शेमफुल। बजी, आपने जिस बात से शुरुआत की बजी, मुझे लगता है बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक क्रिकेटर के रूप में आप खुलकर कह रहे हैं कि कमी है, उस कमी को ही तो नहीं स्वीकारते, खुलकर सब नहीं सामने आकर बोलते कि एंटी करप्शन यूनिट है, क्यों आंख पर पट्टी बंधी है, टैक्स पेयर का इतना पैसा जाता है, नजर क्यों नहीं आता है, पत्रकार पहुंच जाता है, सच बाहर ले आता है काला, लेकिन आपकी नजर क्यों नहीं पहुंचती है? ये ऐसे गंभीर सवाल है जिसका सामना क्रिकेट को करना होगा, नहीं तो साया बहुत गहराता चला जाएगा। इसकी बदनामी तो जो है वो पूरे क्रिकेट वर्ष को ही है, क्योंकि अगर इस तरीके के काम होते रहेंगे, चाहे वो क्रिकेटर इन्वॉल्व हो या कोई इन्वॉल्व हो, इन दी एंड यू नो ये क्रिकेट जो चलाने वाले ही है ना, क्योंकि हम अगर क्रिकेट खेलते हैं, ये लोग विकेट बनाते हैं, अगर उनमें से कोई भी लोग किसी भी तरीके का गलत काम करेंगे तो वो गेम को जो है वो दाग लगाते हैं, तो ऐसे लोगों का गेम के साथ जुड़े रहना बिल्कुल ठीक नहीं है, मुझे नहीं लगता है कि ऐसे लोगों की कोई जगह है गेम में, और ऐसे लोगों को किसी भी काम देने से पहले 10 बार सोचना चाहिए, और 10 बार सोचने के बाद भी आप शायद नहीं देना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसे मिजाज के लोग हैं कि जो अपना जमीर बेच देंगे
तो फिर कोई फायदा नहीं है उनके उनको काम देने का भी और उनके साथ काम करने का भी, क्योंकि एक जो कहते हैं ना कि एक खरबूजा 100 खरबूजों को खराब कर देता है, तो ये वही वाला हाल है। अभी इसके साथ और क्या है क्या नहीं है ये मुझे नहीं पता है, बट दिस इज अ वेरी अनफॉर्चुनेट थिंग, ये बहुत गलत हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और कोई भी देखिए उसका काम है, अगर कोई भी उसको बोलता है कि विकेट मुझे इस तरीके का चाहिए या उस तरीके का चाहिए, उसके लिए मैं आपको पैसे दूंगा, तो वो बहुत गलत बात है। हाँ, तो एक बार टीम मैनेजमेंट बोलती है कि हमें इस तरीके की विकेट चाहिए, दैट इज ऑल अ डिफरेंट थिंग कि हाँ भी हमें इस ऐसी कंडीशन चाहिए जिस तरीके के हमारे पास प्लेयर हैं, वो एक अलग विषय है, अलग बात है। बट कोई पैसे दे के उनसे अगर गेम का नेचर को चेंज कराने की बात कर रहे हैं, तो ये सरासर एक बहुत बड़ा धब्बा है क्रिकेट के ऊपर और हम सबके ऊपर, क्योंकि ये हम इस गेम के साथ जुड़े हुए हैं और हम नहीं चाहते हैं कि इस गेम का नाम खराब हो, इस पार्क गेम का नाम खराब हो और हम सब जितने जुड़े हों कहीं ना कहीं प्लेयरों का नाम इसमें खराब हो, और जो जितने इसके ऊपर कड़े से कड़े जो कहते हैं कि इंस्ट्रक्शन ले, ये बोलिए पता नहीं अब क्रिकेटर के नाते या फैन के नाते क्या मैच रेफरी इस मैच को कैंसिल कर सकता है, आपके लिहाज से वाजिब रहेगा ये? तो देखिए आपको पता होना चाहिए आपने वाकई विकेट को डॉक्टर करवाया है या नहीं, और आप लोगों ने कितनी वहां ऑल्टर नहीं हुआ है। अच्छा, तो विकेट में छेड़छाड़ नहीं हुआ है, सिर्फ बातें हुई हैं। हाँ, तो बातें हुई हैं तो फिर मैच को नहीं हिलाना चाहिए, मैच तो होना ही चाहिए, बट वो क्रिकेटर को ऑब्वियसली उसके ऊपर कड़े से कड़े जो है वो कहते हैं कि कार्रवाई होनी चाहिए, और कार्रवाई नहीं होनी चाहिए उसको, क्रिकेट के बिल्कुल आजू बाजू फटकने नहीं देना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग अपने साथ वाले लोगों को भी खराब कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं ये सबका एक फेलियर है। इसमें मैं कहूंगा कि वो एक बंदा अगर आपके जो स्टाफ का इस तरीके का हो सकता है, वो पूरे क्रिकेट सिर्फ एक खेल एक खिलाड़ी नहीं है, क्रिकेट धर्म की तरह इस देश में पूजा जाता है। हरभजन सिंह और सौरभ गांगुली हमारे साथ बने हुए हैं। आज तक का ऑपरेशन क्रिकेट गेट, ऑपरेशन क्रिकेट गेट में न सिर्फ मैच फिक्सिंग स्पॉट फिक्सिंग बल्कि अब पिच फिक्सिंग का सच सामने आता हुआ। फिक्सिंग में अब फंस गए हैं क्यूरेटर पांडुरंग सलगांवकर, क्योंकि पुणे स्टेडियम में उनके जाने पर रोक लगा दी गई है, उन पर कार्रवाई की तैयारी हो रही है। इस बीच जब हमने बीसीसीआई के कार्यवाहक सचिव अमिताभ चौधरी से बात की तो उन्होंने कहा है कि मैच को लेकर क्या फैसला लिया जा सकता है इस पर फिलहाल एक बैठक चल रही है और आईसीसी के अधिकारी ही इस पर अंतिम फैसला लेंगे कि क्या इस मैच को रद्द किया जाना चाहिए या फिर नहीं। तो आज तक की खबर का हुआ है असर साफ दिख रहा है। स्टिंग ऑपरेशन में ऐसा भी नहीं है कि तस्वीरें साफ नहीं है, साफ दिख रहे हैं। रणजी ट्रॉफी में खेल चुके हैं, भारत की तरफ से क्रिकेटर रह चुके हैं पांडुरंग सलगांवकर, और पांडुरंग सलगांवकर मैच के एक दिन पहले, भारत और न्यूजीलैंड के बीच आज ये मैच होना है, एक दिन पहले अंडरकवर रिपोर्टर को लेकर मैदान में पहुंचे और उसके बाद जो कुछ हुआ है वो आपके सामने। आइए पहले आपको हिस्से दिखा देते हैं क्योंकि कई खास मेहमान लगातार हमारे साथ हैं। हमारे साथ निखिल चोपड़ा भी अब जुड़ गए हैं इस पर, मदन लाल जी हमारे साथ बने हुए हैं, विक्रांत गुप्ता हमारे सहयोगी हमारे साथ हैं, लेकिन उससे पहले आपको दिखा देते हैं पिच क्यूरेटर किस हद तक क्रिकेट का खेल का सौदा करने को तैयार है। तो सब आधे घंटे में पिच का नेचर भी चेंज हो सकता है, आधे घंटे में 5 मिनट में चेंज हो सकता है, इज ऑलवेज डिफिकल्ट जॉब एंड दिस इज अ वेरी थैंकलेस जॉब। तो ये 5 मिनट में सर कैसे नेचर चेंज हो जाएगा पिच का? अरे अभी देखो ना, ये विकेट है, इसका खपली एक निकाल दिया बीच में से। क्या निकाल दिया? खपली निकाल दिया, घास नहीं खपली, यानी जो थोड़ा खड्डा डैमेज कर दिया, मिट्टी जो है उसका वो निकाल दिया, निकाल दिया। तो क्या करोगे आप बोलो? कोई आके गलती से नहीं, बॉटल का पानी गिर गया तो उससे पिच का नेचर चेंज हो जाएगा। अरे वो जो कर अभी जो कोई आया आप आ गए और बूट रखा उसमें खिला ऐसा करके ऐसा घुमाया तो क्या हो गया? पिच इज डैमेज।
ऑपरेशन क्रिकेट गेट, ऑपरेशन क्रिकेट गेट का हुआ है असर, क्योंकि बीसीसीआई के कार्यवाहक सचिव अमिताभ चौधरी ने आज तक से कहा कि मैच को लेकर विचार हो रहा है, एक बैठक चल रही है। निखिल चोपड़ा, इधर उधर बोले बिना सीधा सवाल आपसे, क्योंकि हमने बीते दिन अंडरकवर रिपोर्टर ने जाकर बात की, उसके बाद यही शख्स जिसका नाम पांडुरंग सलगांवकर है, पिच क्यूरेटर है, पूर्व क्रिकेटर है, ये क्या कर रहे थे पिच पे, कुछ किया नहीं किया पता नहीं, आज उनके जाने पर रोक लगा दी गई है। मेरा सवाल आपसे ये है कि भरोसा कायम रखने के लिए क्या मैच को रद्द करने पर फैसला नहीं होना चाहिए? मेरे ख्याल में बगैर इन्वेस्टिगेशन के मैच रद्द नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि अभी तक विकेट कॉम्प्रोमाइज नहीं की गई है, और ये जो निर्णय है ये आईसीसी द्वारा नियुक्त किया गया मैच रेफरी का है कि विकेट डेंजरस तो नहीं है। और जिस तरीके से जो कह रहे थे कि 337 रन बनेंगे, 340 पता नहीं कौन सा अनुमान लगा रहे थे, कितनी सपाट पिच बनाई है, अगर डेंजरस पिच है तब आप कह सकते हैं कि रद्द होगा, लेकिन अगर उनको मैल प्रैक्टिस है जिस तरीके से वो अपने कुछ फायदे के लिए पिच का डेंजरस है, ये कैसे पता चलेगा? आप जब दो चार बॉले होंगी, दो चार ओवर होंगे तभी डेंजरस होगा, लेकिन सबसे बड़ी चीज ये है कि इसमें नहीं, से नहीं, सबसे ज्यादा फायदा आपको रोक रही हूँ, छेड़छाड़ हुई है या नहीं ये कैसे कंफर्म होगा मुझे बताइए, इनसाइडर विकेट देख के पता चले, वो पता चले, इनसाइडर इन्फॉर्मेशन पे आप मैच कैसे रद्द कर सकते हैं? आपको विकेट देख कर अंजना, इनसाइडर आपको विकेट का रंग दूर से देख के पता चलेगा। आपने बड़ा ये विजुअल को आपने डिस्कस नहीं किया, ये देखिए आप पीछे लेके आइए विजुअल, जो पैर 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 मार रहे हैं, ऐसा कभी हुआ नहीं आज तक, आप अंदर नहीं घुस सकते हैं। हाँ, ये देखिए ये आएगा, आईसीसी के क्लियर नियम है, ये तस्वीर इसको रोक सकते हैं क्या? ये देखिए ये कभी हुआ ऐसा होता नहीं है, कभी आप अंदर नहीं जा सकते, आप बाहर से देख सकते हैं विकेट को। इसके लिए क्या है? आईसीसी के क्लियर नियम है कि 3 हफ्ते पहले टेस्ट मैच से मैदान में तो आप जीरो टॉलरेंस की बात कैसे करेंगे जब आप कह रहे हैं कि नहीं मैच होने दो, हम रोक लेंगे, ये सब कुछ हो रहा है। अगर हमको कोई सख्त फैसला लेना है, सख्त संदेश देना है, क्या उसके लिए? लेकिन विराट कोहली का क्या कसूर है इसमें? रोहित शर्मा का क्या कसूर है? केन विलियमसन का क्या कसूर है? मतलब जो सही बात है आपकी कि विश्वास तो नहीं रहता। और आज अंजना सिर्फ इस मैच की क्या, अब मदन जी और मैं बैठ के पिछले 6 महीने के मैच भी डिस्कस कर रहे थे, 6 साल के भी डिस्कस कर रहे थे, क्योंकि आप तो फिर पिछले मैचों में भी सवाल खड़े करते हैं ना। दुख इसीलिए होता है जो सौरव गांगुली ने बोला, हरभजन सिंह ने बोला, उन्होंने सही बोला, आज जो खिलाड़ी 100 बनाता है, जो 5 विकेट लेता है, हम उसकी परफॉर्मेंस डिस्कस करने के नहीं करना चाहते, हम ये पिच को कर रहे हैं। तो आपको कई बार यह भी अंदाजा होता है, जैसे बच्चे कहते हैं अरे ये मैच फिक्स था, ये मजाक बन गया है। और क्रिकेट को आपने, इंटरनेशनल क्रिकेट को भी अगर मजाक बना दिया, आप पांडुरंग को मैदान से बाहर निकाल दिया गया, सही बात है। बीसीसीआई के जो क्यूरेटर मुंबई से आए हैं उनकी देखरेख में मैच होगा, वो भी सही बात है। लेकिन मैं आपको एक और खबर दे दूं, जो हमारे रिपोर्टर जो गए थे अभी अभी, उनका भी मुझे मैसेज आया है, जो बीसीसीआई से मुंबई से जो हर जोन का एक क्यूरेटर जाता है वो वहां मौजूद थे जिस वक्त ये, हाँ जी, ये जिस वक्त ये विजुअल चल रहा है ना। नहीं, नहीं, एक सेकंड आप कह रहे हैं जो बीसीसीआई के क्यूरेटर मुंबई से, क्या होता है कि हर मतलब दोनों क्रिकेटर मौजूद थे? नहीं, मैं आपको, क्रिकेटर नहीं, क्या होता है कि दोनों क्यूरेटर, हाँ, ये हर मैदान में एक अलग क्यूरेटर होता है हर एसोसिएशन का, फिर 4-5 जो जोन्स हैं उनका एक एक क्यूरेटर होता है, फिर एक चीफ क्यूरेटर पूरे इंडिया के होते हैं। तो क्या होता है कि प्रेपरेशन चलती है 2-3 हफ्ते से, उसके बाद 1-2 दिन पहले उस जोन से, जैसे मुंबई से पुणे चले गए वो बीसीसीआई के क्यूरेटर देखने के लिए, सब ठीक है। ये दरअसल जब विजुअल शूट हो रहे थे तो जो बीसीसीआई के क्यूरेटर मुंबई से गए थे वो मौजूद थे, हालांकि उनसे कोई बात नहीं हुई, और मुझे बताया गया कि वो इनको देख रहे थे, हो सकता है कि उनको शक हुआ हो सकता है पांडुरंग को देखा हो, उनको ना पता चला हो कि क्यों ये शख्स पिच तक है। लेकिन मेरा सवाल ये है कि ये हार्डनेस देख रहे हैं, अगर पांडुरंग अगर इनको वहां तक लेकर गए और बीसीसीआई के मुंबई के क्यूरेटर वहां पर मौजूद थे तो उन्होंने क्यों नहीं रोका? अगला सवाल तो आपका ये भी है, उन्होंने क्यों नहीं रोका? ये छोटी मछली बड़ी मछली का क्या मतलब है? देखिए, इस पे क्लियर केस है कि कोई ना कोई सोता पाया गया। आपने बात कर रहे थे हम लोग कि यू हैव टू बी लिटिल मोर विजिलेंट, बहुत जरूरी है। इनसाइडर ट्रेडर इंफॉर्मेशन आप प्लेयरों तक नहीं पहुंच सकते, तो आप अंदर से पता कराने की कोशिश कर रहे हैं कि पिच कैसी खेलेगी, उसके साथ अनुमान लगाएंगे कि 11 क्या खेलेंगे, कौन सी टीम पहले टॉस जीत के बैटिंग करेगी या बाद में बैटिंग करेगी, ये सब अनुमान लगा रहे हैं। तो आप सॉफ्ट टारगेट ढूंढ रहे हैं, तो बहुत जरूरी है, ये एक एग्जांपल बनना चाहिए अंजना मैम, कि एक बार इन्वेस्टिगेशन होके एक ऐसा सेट एग्जांपल किया जाए कि हर बीसीसीआई का क्यूरेटर हर टेस्ट सेंटर में जहां अंतरराष्ट्रीय मैच होते हैं उनको भी सीख मिलेगी। ये सब ना करें कि सोता, एक खबर और विक्रांत बता रहे हैं, उसके बाद ये रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। एक खबर और आई है, ये है कि क्रिस ब्रॉड जो कि मैच रेफरी हैं वो इस वक्त मैदान के लिए निकल गए हैं,
चलिए क्रिस ब्रॉड, आप आज तक पर यह खबर ब्रेक कर सकते हैं कि क्रिस ब्रॉड मैच रेफरी वो मैदान के लिए निकल गए हैं और अभी तक जो खबर आई है, जो जानकारी आई है उसके मुताबिक द मैच इज ऑन, मतलब मैच में कोई खलल नहीं है। लेकिन हाँ, अगर मैच रेफरी को वहां जाकर कुछ भी पिच कंडीशंस में 19-21 दिखे तो फिर हो सकता है कि कोई कार्रवाई की जाए, लेकिन फिलहाल मैच रेफरी मैदान के लिए निकल चुके हैं। मैच रेफरी मैदान के लिए निकल गए हैं। आपने कहा निखिल कि लगता है कोई सोया पाया गया, मैं तो यूं कह रही हूं कि सोया पाया गया या जानबूझकर सोया हुआ नाटक कर रहा था। सवाल यह है कि एंटी करप्शन यूनिट को आखिर यह सब कुछ क्यों नहीं दिखाई देता है, कैसे अंडरकवर रिपोर्टर वहां पर पहुंचा? और जैसा कि मदन लाल जी कह रहे हैं पिच की हार्डनेस वो देख रहे हैं, पूरी रिपोर्ट आपको दिखाएंगे, क्या क्या कहा पिच क्यूरेटर ने जो शर्मसार करता है। ऑपरेशन क्रिकेट गेट, क्या आज का मैच कैंसिल होगा? अभी तक तो नहीं लग रहा है, क्योंकि जैसा ये बता रहे हैं रेफरी जो इंटरनेशनल रेफरी है वो मैदान के लिए निकल गए हैं। पिच के साथ क्या कोई छेड़छाड़ हुई है ये देखा जाएगा, क्योंकि पिच फिक्सिंग का ही तो आरोप लगा है। और इसीलिए हम आपको दिखाते हैं कि पांडुरंग सलगांवकर से जब अंडरकवर हमारे रिपोर्टर गए थे तो क्या क्या उन्होंने कहा, पिच से छेड़छाड़ को तैयार किया था। 5 मिनट में कर दूंगा। तो आधे घंटे में 5 मिनट में चेंज हो सकता है। इट्स ऑलवेज डिफिकल्ट जॉब एंड दिस इज अ वेरी थैंकलेस जॉब, को बाद में आप डील करो। चलो ठीक है, तो पेमेंट मुझे आपको करना है, कब करूँगा? अभी वो छोड़ो, मैं अभी बात नहीं करूँगा, लेट द मैट गेट ओवर। उसके बाद, उसके बाद। इस पर आप तीनों का रिएक्शन निखिल। वो गलत बात है, ये फिर पीछे से ले रहा है, 3-4-5 दिन जब से विकेट शुरू हुई वो अलग बात। आपको पता क्या होता है कि आप 5 दिन पहले पानी मार दिया, फिर उसके बाद आप रोल ना करो, 5 मिनट में अपने आप चेंज हो जाए। 5 मिनट में पानी मारने में कितना टाइम लगता है, फर्क क्या है? बता दूं, क्यूरेटर आपने विकेट अच्छा बनाया, आप पानी थोड़ा ज्यादा कर दें, 5 मिनट मतलब इसमें यही कर सकते हैं आप। क्यूरेटर को आपने अगर बस में कर लिया ना, वो मैच का रुख नहीं बदल सकता, लेकिन जो बुकीज जो गैम्बलिंग जो ऑड्स का जो होता है ना, पूरी जानकारी दे। टेस्ट में आप विराट कोहली होगी, चलिए आप विराट कोहली करेगा, आप विराट कोहली बहुत बड़े बल्लेबाज है, मैंने विकेट ऐसी बना दी टू पेस्ट, मतलब क्या किया मैं आपको बताता हूँ। मैंने सुबह जाके थोड़ा सा पानी स्प्रिंकल कर दिया, क्या होता है कहीं पर पानी गिरा कहीं पर नहीं गिरा तो विकेट टू पेस्ट हो गई। जहां पर हल्का सा गीला है डैप है बॉल आएगा ही नहीं बैट पर, और जहां पर स्किड कर गया वो आ गया, तो बैट्समैन तो स्ट्रगल कर रहे हैं। तो आप जब कहते हैं कि मैं 5 मिनट में चेंज कर सकता हूं, वो टेक्निकली सही बात भी है, लेकिन यह है कि इंटरनेशनल क्रिकेट में ऐसा होता नहीं है, क्योंकि वो पिच जो है मैच रेफरी की निरीक्षण में रहती है, और वो कल शाम को कितना पानी दिया गया है, कल विकेट का किस तरह का बिहेवियर था, वो सब चीजें देखते हैं। तो ये नहीं कि सुबह आकर, लेकिन हाँ ये बड़ा ट्रिक नीचे है। वाले लेवल पे ये होता है, मैं आपको बताता हूँ, एक एक इंटर यूनिवर्सिटी का फाइनल मैच था, मैं कप्तान था पंजाब यूनिवर्सिटी, और चूंकि वहीं पर हो रहा था तो क्या मैटिंग पे मैच हुआ था दिल्ली यूनिवर्सिटी के साथ, हमने पहले दिन बैटिंग कर ली, 300 रन बना दिए, और ये आपके बड़े दिग्गज खिलाड़ी थे, तो हमने क्या करवाया वहां पर आधी विकेट पर पानी फेंकवा दिया, स्प्रिंकल हो गया उसके ऊपर, मैट बिछ गया, एक एंड से बॉल फ्लाई करे एक एंड पे आए ना, और हम मैच जीत गए। तो ये छोटे लेवल पे ये सब चीजें होती ही होती हैं। चलिए आज तक पर ये लगातार कवरेज जारी है, मैच फिक्सिंग स्पॉट फिक्सिंग का कीचड़ अगर बीसीसीआई वालों आईसीसी वालों आपने सोचा कि कालीन के नीचे छिपा दिया है, तो हम तो पर्दा हटा कर रखेंगे आपकी आंखों के ऊपर से। हमारे पत्रकार अंडरकवर गए और अब पिच फिक्सिंग का सच सामने आ रहा है, बचा लो क्रिकेट को। यह लगातार कवरेज जारी है, क्योंकि आज तक पर 1 बजे गुजरात के चुनावों की तारीखों का ऐलान होगा, उस पर हम जाएंगे, लेकिन अभी 12 से 1 विक्रांत गुप्ता हमारे सहयोगी होंगे और इस पूरी कवरेज को आगे लिए जाएंगे। देखते रहिए आज तक।